हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए मैंने पीछे कैसे बांध रखा है, घर के काम में लगी हुई हूँ। फैन ऑफ कर देती हूँ पहले। घर के काम में लगी हुई हूँ ना, तो ऐसे ही बांध के रखती हूँ। मैं करने वाली हूँ फिलहाल क्लीनिंग क्ले रोल की। हैंकी से क्लीन करूंगी, थोड़ा कैमरा नीचे कर लूं, मुझे और पीछे होना पड़ेगा। ये हैं हमारे ब्लैक वाले क्ले रोल, तो इनकी कर लूं मैं क्लीनिंग। इस बॉक्स में डाल दूंगी, जो ब्रोकन बचेगा वो कर दूंगी मैं अलग। इन क्ले रोल में और इन क्ले रोल में फर्क है, साइज का फर्क है, लेकिन मुझे ये ज्यादा वर्दी लगे ब्लैक वाले। मतलब वर्दी ये भी हैं लेकिन ये क्रंची हैं। ये वाले जो बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में जाके एकदम घुल गए थे, जैसे चूल्हे की मट्टी होती है वैसा करके फ्लेवर आ रहा था। तो अर्दी स्मेल भी बहुत अर्दी आ रही है। बाजू में बच्चे, अरे ये तो टूट गया इनटू की लेयर। इसके बाद फिर मैं करूंगी अरेंजमेंट, थोड़ा सा ब्लैक आइटम की, थोड़ा सा व्हाइट आइटम की। देखूं व्हाइट आइटम सूख गए क्या अच्छे तरीके से। पता नहीं क्ले बोर्ड की आजकल बहुत क्रेविंग हो रही है। कल रात मेरा बहुत मन हो रहा था, मैंने रैंडमली क्ले बोर्ड खाए थे, और छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे से खाने का मन हो रहा था। निकल रही है, पाउडर निकल रहा है। अगर इनको पानी में डाल देना तो बिल्कुल घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एकदम पानी में, टोटली मिक्स। मैंने आज तक प्योर ब्लैक जो होते हैं वैसा वाला कोई क्ले पॉट ट्राई नहीं किया, और मैं उसको इसलिए नहीं ट्राई करना चाहती। ये क्ले पॉट ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये तो क्ले रोल की शेप मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस वजह से मैंने आप सब लोगों के कहने से मंगवा लिए। जल्दी न्यू शेप की ओपनिंग होने वाली है, सेम इसी चैनल पे मैं ओपनिंग करने वाली हूँ। थ्री न्यू शेप चीजें मैंने मंगवाई हैं, और मैं ये भी नहीं बताऊंगी इस बार के वो किस चीज के आइटम है। हाँ, लेकिन एक हिंट जरूर दूंगी, तीनों अलग अलग है और तीनों ही स्लेट आइटम नहीं है। आप गेस कीजिए वो क्या होगा। ये हमारे क्ले रोल हो गए हैं क्लीन। आपको धूल नहीं दिख रही होगी ना, बहुत धूल निकल रही है, धुआं धुआं सा। शाम है धुआं धुआं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना चाय पी, जिस तरीके से टी टाइम रिलैक्स करके आप लोग, मतलब हम आप लोग करते हैं, उसी तरीके से ये मेरे लिए रिलैक्सिंग टाइम है। मेरा बच्चा सोया है, जब बच्चा सो जाता है मैं तभी करती हूँ ये सारे काम। मैं
मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ और मैं टेंशन फ्री रह के ही करती हूँ। बेशक मुझे दिन में टाइम मिल जाए लेकिन अगर मेरा बच्चा नहीं सोया तो मैं इस तरफ नहीं आती, फ्ले में नहीं आती। मेरा मन ही तभी लगता है जब मैं टेंशन फ्री होके करती हूँ। मेरे प्यारे क्लेपॉट, ये बच्चा है ब्रोकन। मैं दिखाती हूँ मैं ब्रोकन रखती कब हूँ। ऐसा मन कर रहा है इसी रूम में बैठी रहूं, कुछ ना कुछ सेट करती रहूं, कुछ ना कुछ निकालती रहूं, डब्बा खोलती रहूं। ये गंदा है, हैंकी गंदा, और ये जो ब्रोकन है ये तो गंदा है पर इसको फिर भी मैं संभाल के रख लूंगी यहाँ पे। ये मेरी प्लेट खाली हो गई है, उधर रख देती हूँ क्योंकि फिर काम आएगी, मेरे फिर से काम आएगी। और मेरे वाइट सैंडस्टोन बाहर रखे हैं, ब्लैक बोल रखी है, वाइट प्राइस रखा है 690, 6 का ही 9 बना रखा है मैंने, वो भी बाहर रखा है, वो भी मुझे रखना है। रेड क्लीनिंग करनी है मुझे रेड की, और वाइट की रीअरेंजमेंट कर दूँ लेकिन मेरे पास वाइट के लिए बॉक्स नहीं है। बॉक्स में लेके आई थी लेकिन बॉक्स कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा। नगुमट तो मेरा सेट हो गया, नगुमट का ब्रोकन वाला हिस्सा रह गया था ना, पाउडर वाला, हाँ वो रखा सामने। मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, स्पेशली क्ले की चीज़ों को मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती हूँ, जो ये करती हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती हूँ। इस वर्क को क्लीनिंग मन किया कर दिया, मन किया नहीं किया। मुझे क्लीनिंग करने में सबसे ज़्यादा जब मज़ा आता है जब वो लेयर्स उतरती हैं, वो लेयर्स कट करके वो राउंड राउंड घूम के जो उतरती हैं, वो नहीं जिसमें चाकू फिसल जाता है, वो मुझे अच्छा लगता है उतना, उसे मैं छोड़ भी देती हूँ। आपने कई बार नोट किया होगा मुझे वो अच्छा लगता है जो लेयर्स उतरती हैं। इसके पास इसके साथ चाकू लेके आ रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, मेरा मन कर रहा है। मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है, कहाँ खो गया चाकू नहीं मिल रहा। एक बात हो जाती है स्टोव की प्लेट में चाकू रख के छोड़ देते हैं, वो छोटा सा नाइफ दिखता नहीं है। तो मैं चाकू किचन में से लेके आती हूँ। इसको चेंज करते हैं, ये टूट गया था ना, इसको चेंज करते हैं न्यू ब्लेड के साथ। जिंदगी कैसी है पहेली, ये टूटे भी हैं इसमें कुछ, ये इसमें सेट नहीं होता है। कौन सा ब्लेड लगाऊं समझ नहीं आ रहा है, और बाकी खुरचने वाले हैं, खुरचने वाले समझ रहे हैं। दिखाती हूँ इस तरह के हैं, ये आगे से शार्प होते हैं, ऐसे करके उतार सकते हैं। चलिए इसी को लगाते हैं, थोड़ा सा मन कर रहा है उतारूं। वाइट सैलिस्टोन की लेयर उतारूंगी, ये घिटी है इधर से। वैसे अगर वाटर में वेट होता तो और अच्छे से उतरती लेयर, लेकिन पानी में इस पे तो आगे मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, इतना शार्प है। देख लो औजार कैसे बदले जाते हैं, है तो ऑपरेशन के, पर मैं भी कोई ऑपरेशन से कम थोड़ी ना करती हूँ।
लग जा यार, उल्टा लगा दिया शायद मैंने। एक बारी ये रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे। मैं बहुत कम सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ, खुद ही गाती रहती हूँ, खुद ही काम करते करते अच्छा लगता है मुझे। अगर अभी मैं वीडियो भी नहीं बना रही होती तो भी मैं गा के ही कर रही होती, लेकिन जब मैं क्लीनिंग वीडियो बनाती हूँ ना दूसरे चैनल पे जो सिर्फ क्लीनिंग के पर्पज से है, तब नहीं गाती। आपको दिखेगा नहीं ना मैं पास आ जाती हूँ, जितना मज़ा मुझे आया आपको भी तो आना चाहिए। ये जो लेयर है ना ये गिटी है, ये इतनी लेयर गिटी है ऊपर वाली, ये जो उतरी पर इसको ऐसे नहीं उतारेंगे, घिस घिस के उतारेंगे इसको। देखो इसकी जलेबी बना के उतारें, गीले की बनती है जलेबी, इसकी नहीं बन रही। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, देखते नहीं देखेंगे। ये देखिए नीचे से मैं कह रही थी ना ये गिटी है लेयर, मैंने इसमें से ना क्रंच वीडियो बनाई थी, मैं 29 सेकंड की बना के रुक गई थी, खाया नहीं जा रहा था। जब मुझे मज़ा नहीं आता मैं उस चीज़ को खाती नहीं हूँ, चाहे वो क्रंच हो चाहे वो कुछ भी हो, क्रंच कर लेती हूँ एक बार को रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट वीडियो पे, अदरवाइज़ नहीं। मेरे ना मुँह में पानी आता है, चाहे मैं स्लेट आइटम पर वर्क करूँ चाहे क्ले पॉट पर, आदत है मुझे। आदत क्या मन करता है यार, हमें पता है एक चीज का स्वाद कैसा है तो मुंह में पानी आ जाता है। इस बार पूरा बड़ा सेलिस्टोन मैंने प्योर व्हाइट कलर में मंगवाया था। आज हमारी सोसाइटी में थोड़ी देर में पता नहीं क्या मैसेज आया है सोसाइटी के ग्रुप में। हमारी पूरी सोसाइटी की अच्छी बात ये है कि सब मिलके रहते हैं, सब तो नहीं मिलके रहते, कुछ लोग मिलके रहते हैं और मिलके काम करते हैं। वैसे तो मैं इसकी पूरी लेयर उतार सकती हूँ यहाँ से घुसा के ऐसे, पर मेरा मन नहीं है, मेरा मन है ये तोड़ना ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके उतारने का। पाउडर दिखाऊं, बस करती हूँ मैं, गंदी हो गई आजकल तो, मैं नहाई नहाई भी लेट कर रही हूँ बहुत। वो
मौसम खराब चल रहा है ना उस वजह से। मेरा फोन है, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ दूसरा फोन है मेरे। हमारे घर में टोटल चार फोन है, एक रोबिन का खराब फोन है। हम लोग अपनी चीजों को सेल आउट नहीं करते हैं जल्दी से, क्योंकि सभी लोग मेहनत से खरीदते हैं, उसी तरीके से हमारे फीलिंग्स चीजों के साथ भी जुड़ जाती हैं। बेशक वो इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज मेहनत करके खरीदी है वो सभी के दिल के करीब रहती है। वैसा ही हमारा है, हम दोनों ने साथ मिलकर सब कुछ क्रिएट किया है, तो अपनी चीजों को जल्दी से अलग नहीं करते, खुद से संभाल के रखते हैं। तो चार फोन है, चार में से दो तो मेरे हैं, दो मेरे हस्बैंड के हैं। हस्बैंड के फोन पर बच्चों ने कब्जा कर लिया है। मेरा एक फोन मेरे पास रहता है, एक यहाँ पे ये रहा, ये टूटा हुआ है, ठीक करा लिया मैंने, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं। नई पार्षद श्रीमती सुमन लता पाल जी आ रही है, पार्क में बुला रहे हैं सब लोगों को नीचे, पता नहीं मीटिंग होगी किसी चीज को लेके। चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिलैक्सिंग वीडियो के साथ। मैं अपनी ही वीडियो को, इस चैनल वाली को जो मैं बैठ के बना रही हूँ, ईयरफोन लगा के सुनती हूँ शांत होकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है, मतलब शायद इसलिए लगता होगा कि वीडियो के अंदर खुद मैं हूँ, लेकिन मैं और अदर वीडियोस उतना नहीं देखती। क्रंच वीडियो जो देखती हूँ गैलरी में जाकर इंजॉय करती हूँ, और ये वीडियोस देखती हूँ। यार इतनी लड़ाई होती है मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने लोगों का प्यार पाया है, इसलिए मुझे तो खुद नहीं पता चलता है आप सब लोग कब लड़ देते हैं। मत लड़ा करो यार, आप लोगों को भी तो तकलीफ होती होगी, सामने वाला कोई बात नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग हमसे प्यार ही करें, ऐसा किसी क्रिएटर के साथ नहीं है। यूट्यूब पे ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसको प्यार मिले, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा खींचा जाता है, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे जो जगह दी है, शायद वो ऐसे अदर किसी क्रिएटर के या किसी अदर कंटेंट क्रिएटर के पास ना हो, मेरी नज़र में फ़िलहाल नहीं है, बट होगी कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है मेरे में कुछ स्पेशलिटी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। बस आप लोगों के दिल में मुझे जगह मिली है, यही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी मैं एक दिन तो परेशान हुई थी चैनल के जाने के बाद, मुझे महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हूँ। सब्र हो जाता है जब मेरी YT फैमिली ने वापस मेरे को मिल गई अदर चैनल पे, आप लोगों ने जाके कमेंट करे, मैंने फिर बनाया, आप लोगों को शेयर किया, तो फिर मुझे सब्र आ गया। बस वही तो मेरी दौलत है, बस मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी दौलत यही है, मेरी कमाई, मैंने लोग कमाए हैं लोग। चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ बाद में एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। ऐसे मेरा मन तो नहीं कर रहा इस चैनल को बंद करने का, इस वीडियो को बंद करने का, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने मन की बातें आपसे करती हूँ, रिलैक्स होकर बैठती हूँ, बातें करना वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उन लोगों के साथ में जो लोग मुझे समझते हैं, जो मेरी चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैं आप सब लोगों से क्ले का घिसना शेयर कर रही हूँ, क्ले रोल काट के दिखा रही हूँ, उसको क्लीन कर रही हूँ, घिस रही हूँ, तोड़ रही हूँ, टेस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं। यही बात अगर मैं गली में चल रही किसी इंसान से के साथ करने लगूँ तो सुनेगा नहीं, वो तो ये कहेगा क्ले रोल क्या होता है, ये क्या कर रही हैं आप, ये क्यों कर रही हैं, उसके टीथ ना ऐसे हो जाएंगे। हमारी जो टीम थी या जो चीज़ें हैं वो अगर अदर अननोन पर्सन, नॉर्मल पर्सन अगर देखता है जिसको क्रेविंग का इशू नहीं है, तो ऐसे कर लेता है टीथ को ऐसे करके, तब वीडियोस एंजॉय करता है, एंजॉय नहीं करता, वीडियोस बर्दाश्त करता है तब जाके। ये तो कहने वाली बातें हैं कि इसने देख लिया आपकी वीडियो, वो लोग देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, झूठ है सब, वही लोग देखते हैं क्रंच वीडियो जिनको पसंद है। मेरे को ही ले लो या आपको ही ले लो, जो कंटेंट पसंद नहीं होता उसको स्किप कर दिया जाता है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। सो डन, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।